मैं इतने दिनों बाद आई हूं और तुम इतनी जल्दी सो रहे हो। काफी देर हो गई है। इतनी भी देर नहीं हुई, अभी तो हमने बातें भी नहीं की, तुमने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं और आते साथ ही बिस्तर में लेट गए। बातें बाद में भी हो सकती हैं ज़िबू। तुम मुझसे नाराज हो? ज़िबू प्लीज टाइम देखो, मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करना, सो जाओ तुम। सो गई क्या? मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी कि यहाँ का चक्कर लगा लूँ, लेकिन हमेशा बिजी हो जाती थी। अब्बू कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर हैं। तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये कुछ गिफ्ट्स और ये रकम उन्होंने तुम्हारे लिए भेजे। थैंक यू। ये नहीं कि मुझे भी कोई तोहफा या मुंह दिखाई देती थी, कंजूस औरत। ज़ेबू किसी दिन फवाद के साथ अपने अब्बू को मिलने आ जाओ। अब तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई है। जी आऊँगी। वो ऐसा है ना कि ज़ेबू पहले आरिस की शादी में मसरूफ़ रही, फिर तहमीना के घर चली गई, तो अभी तो अपने घर वापस आई है। ज़ेबू है ही ऐसी, सबका दिल इसके साथ लगता है। अब तो आपकी नई बहू भी आ गई है। जी जी माशाल्लाह, घर में रौनक हो गई है। कितनी अच्छी हैं आप, सौतेली माँ होकर भी इतना सब कुछ लाई हैं। इतने तोहफे तोहफ, बहुत कम लोग होते हैं जिनका इतना ज़र्फ होता है। ये सब कुछ ज़ेबू के अब्बू का है और ज़ेबू का इसमें पूरा हक है। पहले ज़ेबू अपने अबू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन देखे अब कितनी मोहब्बत करती है ना ज़ेबू? पुरानी बातें माजी के साथ खत्म हो जाती हैं। बाप और बेटी में कितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन रिश्ता हमेशा खालिस रहता है। बाप की मोहब्बत अपनी बेटी के लिए कभी कम नहीं होती।